कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांसाठी अनेक सुविधा करण्यात आल्या होत्या। या सुविधेसाठी 23.9 कोटी खर्च आला असून 99 कोटी रुपये फायदा झाला असल्याचे डीआरएम सुधीर कुमार गुप्ता यांनी सांगितले। कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भुसळ रेल्वे विभागाने प्रवाशांसाठी काही सुविधा पुरवल्या होत्या। जसे कुंभमेळ्यासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या जमावाला कंट्रोल करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने होल्डिंग वे बनवले होते, तसेच प्रवाशांच्या जेवणाचीही व्यवस्था प्रशासनाने केली होती। यात अन्न सुविधांमध्ये टॉयलेट, पिण्याच्या पाण्याची सोय, मेडिकल कॅम्प, फायर ब्रिगेड, आरपीएफ, सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच सिक्युरिटीचाही समावेश होता। या सर्व कार्यासाठी रेल्वे डिपार्टमेंट मधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी व स्टेट गव्हर्नमेंट यांचा हातभार व सहयोग राहिला। यावेळी भुसावळ रेल्वे विभागाला कुंभमेळ्यामुळे 99 करोड रुपयाचा नफा झाल्याची माहिती डीआरएम माननीय सुधीर कुमार गुप्ता यांनी मुलाखतीत दिली आणि इतर सर्व सुविधेसाठी 23.9 करोड रुपये खर्च झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली। कुंभमेळा जो आहे बहुत बड़ी इव्हेंट होती है, 12 साल में एक बार होता है। इसकी प्लानिंग करीब 1 से 2 साल पहले ही शुरू हो गई थी और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसका बहुत इम्पोर्टेंस था, वो हमने टाइमली खत्म किया, अच्छी क्वालिटी का काम हुआ और जो स्टाफ बाहर से आना था वो टाइमली स्टाफ आ गया और जिस तरीके से क्राउड को कंट्रोल करने की प्लानिंग थी हमने बहुत होल्डिंग एरिया बनाए, क्राउड को हमने कंट्रोल किया और जगह जगह होल्डिंग एरिया बना के अपना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा क्राउड जो पैसेंजर्स आए थे हमारे उनके लिए हमने शेल्टर्स बनाए, उनके लिए कैटरिंग की व्यवस्था थी, उनके लिए टॉयलेट्स थे, यूनल्स थे, बाथरूम्स थे, पीने का पानी था, हर तरह की सुविधा हमने मुहैया कराई। इसके अलावा अगर कुछ चीज हो जाती है तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए थे, एम्बुलेंस रखी गई थी, फायर ब्रिगेड्स थे और आरपीएफ की तरह से काफी इवेंट इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे, क्विक रिस्पांस टीम थी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी, जगह जगह मोर्चे लगाए गए थे और वॉच टावर्स लगाए गए थे जिससे कि सिक्योरिटी की तरफ से पूरा इंतजाम था। और इस तरह से सभी के कोऑपरेशन से जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनके सबके परस्पर सहयोग से ये आगे सकते। इस बार कुंभ मेले के कारण जो है कुंभ मंडल को करीब करीब 99 करोड़ का मुनाफा हुआ है और जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसमें करीब करीब 23.9 करोड़ का खर्चा हुआ है, बट ये परमानेंट नेचर के हैं, ये आगे भी यूटिलाइज होते हैं।